हेलो गाइस, आज के इस नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ और बेहतर होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बीसी सखी बैंकों में चयन हेतु लेटर जारी, जल्दी देखें। जी हाँ बिल्कुल, आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं एक नोटिफिकेशन, एक पीडीएफ, एक जो आपका लेटर जारी हुआ है उस लेटर को हम दिखाएंगे, जैसा कि आपके स्क्रीन पर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा रेड एरो की तरफ। तो देखिए, मैंने आपको दिखाने के लिए इतना लगाया भी, बहुत सारी इसमें जितने भी सिस्टम है जो भी है सब कुछ बाकी है, सब कुछ एक एक चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं कि लेटर कैसे जारी हुआ, क्या आपको करना होगा। तो बिल्कुल आज के इस वीडियो में हम आपसे यही बात करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छी लग जाए ना तो लाइक करना, और सबसे पहली आपको बात बता दें कि आपका जो चैनल है भीमा चित्रा और भीमा चित्रा से लेकर ट्रिकी नंबर वन, भाई यहां पर किसी भी प्रकार की आपकी गलत न्यूज आप नहीं पाएंगे। तो भाई आप अगर ऐसी वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं आंगनबाड़ी बीसी सखी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि फ्यूचर की जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइड वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप लोगों का स्नेह और प्यार ही हमें इस कार्य के लिए मोटिवेट करता है और इस मुकाम तक लाता है। तो दिल से सभी को थैंक यू, जितने भी मेरे यूट्यूब के सदस्य हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, सभी का बहुत सारा स्नेह और प्यार भीमा चित्रा की तरफ से। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सो वेलकम बैक गाइज, एक बार पुनः अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भीमा चित्रा पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं गाइज, ये आपका डेट शो कर रहा है 5 मई 2021 की अपडेट है, ठीक है, यानी कि 5 मई 2021 को ये लॉन्च हुआ था। और यहां पर आप देख सकते हैं द ब्रांच मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा लिंक ब्रांच, यहां पर देख सकते हैं आपका बाजार शो कर रहा है, ब्लॉक शो कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट शो कर रहा है, यानी कि आपके सामने सब कुछ है, मसौदा, अयोध्या, सब कुछ ये आपके सामने है। तो ये है क्या चीज, इस बात को जान लीजिए। सब्जेक्ट में लिखा गया है ये है क्या, रिक्वेस्टेड फॉर ओपनिंग द स्टेटमेंट अकाउंट ऑफ ओडी, ठीक है, ओवरड्राफ्ट। इसके बाद लिखा गया एसी अंडर प्रोसीड द कोड 124 बिजनेस करेस्पॉन्डिंग एजेंट बीसीए सेलेक्टेड अंडर बीसी सखी प्रोजेक्ट। तो इन उन लोगों का जो सेलेक्टेड लेटर है, जितनी लोग सेलेक्ट हो चुकी हैं, जिनको मिल चुका है और उन्हें ज्वाइनिंग लेटर ये समझिए है, फाइनली यहां पर लिखा गया है बीसीए यानी कि बिजनेस करेस्पॉन्डिंग एजेंट सेलेक्टेड अंडर बीसी सखी प्रोजेक्ट। तो बीसी सखी जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत ये सेलेक्ट हो चुकी हैं और उनके लिए फाइनल एक सेलेक्टेड लिस्ट जारी कर दी गई है। चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखा गया है। रिस्पेक्ट सर मैडम, जो भी है बहुत सारा सब कुछ यहां पर लिखा गया है, ठीक है, विथ ए व्यू ऑफ अर्निंग फाइनेंशियल, तो बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस चीज को पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं ये चीज ऑलरेडी सबको मिलेगा और मैं सिर्फ जानकारी के लिए आपको दिखा रहा हूं। अब चलिए यहां पर मैं एक एक चीज करके दिखाता हूं गाइज। यहां पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ बीसीए यानी कि किसके नाम से है, तो यहां पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है, साक्षी पांडे, यहां पर इनका नाम शो कर रहा है साक्षी पांडे, और इसके बाद यहां पर इनका मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट दे रहा है। तो मोबाइल नंबर को मैंने ब्लर किया है सिक्योरिटी की वजह से, आई थिंक क्या है कुछ लोग फोन लगाने लगते हैं और नंबर यहां पर सही होता है, और इसी वजह से मैंने नंबर को ऑलरेडी छुपा दिया है ताकि आप लोगों को सही से दिखे ना, थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो नंबर को आप जाने दीजिए, पैन कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, और यहां पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत का नाम है, ब्लॉक का नाम है मसौदा, और यहां पर अयोध्या, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम और पिन कोड भी इनका दिया गया है, और यहां पर इनका ईमेल आईडी भी दिया गया है। तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद आपको मैं और भी चीजें दिखाता हूं, अभी सब कुछ कैसे क्या क्या इसमें प्रोवाइड होता है, बस वीडियो के साथ बने रहे गाइज। ये देखिए गाइज, उसी लिस्ट में, उसी जो नोटिफिकेशन है उसी में ये भी शामिल है। यहां पर आपका एसआर नंबर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं एसआर नंबर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है, ग्राम पंचायत, और इसके बाद जो बीसी सखी का नेम है उनका नाम दिया गया है, मसौदा पलिया, यहां पर सब कुछ लिखा गया है, ठीक है, यहां पर लिखा गया है साक्षी पांडे, और इनके हस्बैंड का नाम भी लिखा गया है, और यहां पर आपको मोबाइल नंबर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये मोबाइल नंबर यहां भी क्या है, हाइड है, और यहां पर व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिख रहा होगा। तो बहुत सारे नंबर इसमें ऑलरेडी सब कुछ है, और इनकी क्या क्या है आप देख सकते हैं, क्या क्या आपको लिखा मिलेगा, यहां पर इनकी इमेज शो कर रही है, ठीक है, यहां पर ये ग्रेजुएट है और इनकी एज 33 यानी कि 33 वर्ष है।
चलिए और आगे देखते हैं क्या है इसमें गाइज। यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ आपको, जो यहाँ पर देखिए ठीक है, यहाँ पर आपको यूदाई आईडी मिला है, आईआईबीएफ सर्टिफिकेट का नंबर है, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर है, ग्रेजुएट हैं, मतलब पूरी डिटेल्स, बायो कुंडली जिसको कहते हैं, बायो डाटा, सब कुछ आपके इस, यानी कि इस जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है, इस लेटर में सब कुछ आपकी बायोग्राफी ज्वाइन है, कौन सा बैंक है, कहां पर क्या है, क्या कोड है, सब कुछ यहां पर गाइस देख सकते हैं। आगे देख लीजिए इस प्रकार इनका जो है, यहां पर आपको शो कर रहा होगा इनका भारत सरकार का पैन कार्ड, इसके बाद यहां पर पूरी डॉक्यूमेंट भी आपको दिख रही होगी, यहां पर इनका शो कर रहा है, ई एक ही साथ है आपका जो एक जारी हुआ है, लिस्ट जारी हुई है, ऐसा समझिए कि जो आपका ज्वाइनिंग लेटर जो जारी हुआ है, उस लेटर में इतने सारे एविडेंस लगे हुए हैं। फाइनली इसके बाद इनका आधार कार्ड है, यहां पर देख सकते हैं इनका निर्वाचन कार्ड है, और यहां पर फाइनली इनका लिखा गया है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत तैनात की जाने वाली 58,000 ग्राम पंचायत स्तरीय बिजनेस करस्पॉन्डिंग सखी का पुलिस विभाग द्वारा सत्यापन का प्रारूप। तो पुलिस वेरिफिकेशन भी यहां पर इसमें लगा है, संलग्न है, आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं ये भी इनके साथ इसमें लगा है, और इसके बाद यहां पर इनकी मार्कशीट जो फाइनल ईयर की है, थर्ड ईयर की, वो भी लगी है। तो इस प्रकार इतने सारे एविडेंस सब कुछ इसमें लगे हुए हैं, ये एक ही साथ है गाइज। तो आज की इंफॉर्मेशन ये कैसी लगी, क्या आप लोगों को ऐसे कुछ मिले हैं, लेटर जारी हुए हैं या फिर नहीं, अगर नहीं जारी हुए हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा, बताइएगा, ताकि हम आपको इसके बारे में कुछ बता सकें। तो ये अयोध्या का है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपके यहाँ क्या ऐसे कुछ लेटर जारी हुए हैं, आपको मिले हैं या फिर नहीं, प्लीज एक वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम दीजिएगा और बताइएगा आपको मिला है या फिर नहीं। तो ये थी लेटर, वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा, हमारा काम है इंफॉर्मेशन देना और आपका काम है प्रश्न पूछना। तो बस ऐसे ही सपोर्ट और स्नेह और प्यार इस चैनल को देते रहें, आपकी दुआ से हम इस समय एकदम बहुत अच्छे हैं, और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप भी स्वस्थ और सेहतमंद तंदुरुस्त रहें। तो दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।